वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप देख रहे हो अभिषेक कावा व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे गाइज। अभी एक्चुअली मैं नीचे गया था कुछ काम से, और तो गाइज अभी जस्ट डिनर किया है, और डिनर में था जीरा राइस, दाल फ्राई, और मम्मी ने बनाया था, और मेरे को हाँ टिंडली की सब्जी और रोटी पप्पा के लिए, और दाल भात, जीरा राइस, दाल फ्राई। और गाइज दाल इसमें झाड़ी थिक रहती है, झाड़ी रहती है तो अच्छी लगती है, तो मम्मी ने वही बनाया था और मेरे को वही अच्छा लगता है। पतली दाल मेरे को अच्छी नहीं लगती, तो गाइस झाड़ी थिक दाल थी आज। और मम्मी क्या बोलते हो? कुछ नहीं बेटा, अपना काम कर रही हो। वैसे हम लोग ने एक दो दिन पहले गुजराती मूवी देखा था, तो अपने लैंग्वेज में देखने को और भी मजा आता है, क्योंकि अपन उससे को रिलेट जल्दी कर पाते हैं। और हिंदी ऐसा कुछ नहीं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी ऐसा कुछ बात नहीं है, पर कुछ अपना सा लगता है गुजराती में अपन देखते हैं तो, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में देखते हो तो गाइस देखेंगे अभी आज कुछ पिक्चर लगेगा तो देख के आते। पप्पा ने भी डिनर कर लिया, सब ने डिनर कर लिया। एक्चुअली क्या हुआ कि पप्पा और भाई आज भी लेट आए रोज़ की तरह, तो मम्मी रुक रुक के क्या बोलते रुक रुक के बहुत लेट हो गया। फिर मम्मी ने खाना खा लिया था ना आपने? पहले दादी को दे दिया था, वो कब का दे दिया 9 बजे का, और हम पप्पा और वो कुछ 10 बजे आए, 10:30 बजे हम लोग सब लोग खाना खाने बैठे, मम्मी ने खाना खा लिया था, और फिर हम लोग सब लोग ने खाना खाया। और गाइस नाना की तबीयत भी अभी अच्छी है, नाना को भी अभी मम्मी ने फ़ोन किया था, मतलब माइक के घर पे, तो माइक ने बोला कि कुछ नहीं, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, और उनकी भी तबीयत ठीक हो गई है, और भी मम्मी मोबाइल में उसका नेक्स्ट भजन ढूंढ रही है, जो नेक्स्ट भजन वो कल डालेगी। वो आज 11 थी, तो मम्मी ने क्या डाला? एकादशी का वार्ता, एकादशी की वार्ता, एकादशी मतलब कथा। हाँ, और एकादशी का भजन, एकादशी का भजन। हाँ, और कल अभी जया पार्वती व्रत है, तो वो मैं कथा डालूंगी, और जो छोटी बच्ची रहती है ना, हाँ, उसका भी व्रत है, उसका व्रत है मोराकत। हाँ, तो गुजराती लोग को मालूम रहेगा। हाँ, ऐसे तो सब उसमें होता है ना, पर सबका अलग अलग नाम रहता है ना। हाँ, उसका भजन भी डालने का है। अच्छा, तो कल कौन सा भजन ढूंढ रहे हो, कौन सा भजन का नाम कुछ भी यार? कल एक भजन डालूंगी। हाँ, छोटी बच्चियों के लिए। हाँ, और एक बड़ी लड़कियों के लिए जया पार्वती का व्रत रहता है, उसकी मैं कथा डालूंगी। तो गाइस वो तो है, और मम्मी जो यूट्यूब शॉर्ट्स आते हैं, तो मैंने मम्मी को सजेस्ट किया कि भाई श्लोक और वो सब, जो श्लोक मतलब जो भगवान के मंत्र आते हैं, जो जपने से अपना भला होता है, वो मैंने बोला कि वो शॉर्ट्स में डालो, तो वो भी आएगा, और 1 सेकंड का प्रॉपर यूज होगा, 1 सेकंड क्या बोलो, 1 मिनट का प्रॉपर यूज होगा, और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ऐसी डालो कि अच्छी लगे ऐसे शॉर्ट्स में, तो यूट्यूब शॉर्ट्स में। तो मैंने मम्मी को सजेस्ट किया था कि वो डालना, तो मम्मी ने एक दो डाला था, और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि वीक में एक दो शॉर्ट्स डाला करो, क्योंकि क्या है, उससे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ऐसे लर्न नहीं होते ना सब स्लोग। हाँ, सब स्लोग लर्न नहीं होते, तो आप एक दो बार देखोगे ना तो वो हो जाएगा। और आपको मम्मी की नई चैनल नहीं पता है, तो उसका उनका नाम है चामुंडा स्टूडियोज, और मैं लिंक में डाल दूंगा मम्मी की डायरेक्ट लिंक यूट्यूब चैनल की, तो आप प्लीज़ देख लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइज अभी हम लोग मतलब मैं मम्मी ने डिनर कर लिया, पहले दादी पहले मम्मी, तो है ना गाइज हम दोनों जब भी बैठे थे ना, मैं और मेरा भाई पापा तो नहाने गए थे, तो तभी वो गैस चला गया, क्या बोलते उसको, सिलेंडर है ना, वो ख़त्म हो गया था, तो वो फिर लगाया, और फिर वो किया, फिर डिनर किया, फिर वो सब हुआ। तो गाइज ये सब कुछ सीन था, और मेरा भाई देखते बाहर क्या कर रहा है। सो गाइज मेरा भाई इधर सो रहा है, पर मैं दिखा नहीं सकता आपको क्या बोलता है भाई, इसको बोल रहा हूँ क्या है वापिस बोल, जीवन में शांति जीवन में शांति है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। बाकी आज कितना काम किया? जबरदस्त जबरदस्त, मतलब एक बार तो बुखार आ गया काम तो था, तो करना तो पड़ेगा ही। हाँ, और कुछ आज का टॉट ऑफ द डे कुछ तेरे मन में जो आ रहा है, जो हम लोग को सीखने जैसा है, वो दोस्त की तरह बोलना, सब लोग अपने जैसे जुवान है अपने जैसे जुवान है सब जुवान क्या जुवान बोल तो थॉट अभी क्या बोल, वर्क इज गॉड। यस, इसका स्टेटस क्या बोलते हैं उसको, क्या व्हाट्सएप में क्या रखा है तूने,
मालूम भी नहीं यार, वो लिखते ना क्या बोलते, कैप्शन बोलते क्या बोलते हैं ना, व्हाट्सएप में कैप्शन इसका ही है, वर्क इज गॉड ना आटले डीपी के नीचे। हाँ तो गाइस वर्क इज गॉड आज का कैप्शन, अरे क्या बोलते हैं, गुड थॉट। सो गाइस अभी आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइस हाँ, और मैंने यूट्यूब क्या बोलते हैं अपने व्लॉग के लिए बहुत सारे गाने भी नए नए सिलेक्ट किए हैं और डाउनलोड भी कर लिए हैं, तो गाइस अभी से थोड़ा बहुत नया नया गाना आएगा, मतलब जो गाने मैं अभी पहले के व्लॉग में यूज़ करता था वो सब मेरे ख़त्म हो गए और मैंने एक एक दो दो बार सब यूज़ कर लिए है, तो गाइस अभी वो नहीं, अभी नए गाने आएंगे और वापस नया थोड़ा क्या बोलते हैं थोड़ा नया माहौल बनेगा, क्योंकि गाइस गाने से भी माहौल अच्छा बन जाता है, क्योंकि गाइस जिसको जिसको नहीं मालूम ब्लॉगिंग करने के लिए आपको गाने भी इम्पोर्टेंट है, मतलब सिनेमैटिक्स है, ये है वो है, टाइम लैप्स है, जैसे मेरे को जितना पता है उतना मैं आपको बोल रहा हूँ। और गाइस आप लोग ने तो मेरे अलावा और बड़े बड़े ब्लॉगर्स को भी देखा होगा, तो गाइस वो लोग भी गाने डालते हैं, क्यों, क्योंकि गाइस ब्लॉग में फील आना चाहिए कि ब्लॉग है करके, तो गाइस गाना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ब्लॉग में। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, स्टे वेल स्टे सेफ, बाय।